श्री बलदेव प्रसाद गुप्त श्री कृष्ण इंटर कॉलेज आश्रम बरहट देवरिया की जीव विज्ञान प्रवक्ता और प्रधानाचार्य पद से रिटायर हुए हैं। ये एक बेहद ईमानदार प्रधानाचार्य के रूप में जाने जाते हैं। प्रस्तुत है इनका एक साक्षात्कार। साथ में उपस्थित हैं वर्तमान जीव विज्ञान के प्रवक्ता ओपी दीक्षित और अंजनी उपाध्याय। असल में हम लोगों के समय में जो नियुक्तियाँ होती थी जी, उसमें मैनेजमेंट ये देखता था कि अध्यापक अच्छे हों ताकि स्कूल में छात्रों की संख्या बढ़े। जब अच्छे अध्यापक रहेंगे तो संख्या अधिक होगी, उसी फीस से अध्यापकों को आवेदन देना था जी। तो हमेशा, लेकिन जब से अच्छा सर, वेतन कितना मिलता था उस समय? वेतन उस समय तो 175 रुपया। अच्छा, एंटी लेक्चरर ग्रे 120 रुपया एंटी ग्रे मिलता था, 10 रुपये महंगाई। पूरा मिल जाता था, पूरा वेतन मिल जाता था धीरे धीरे। महीने एक मुश्त नहीं मिलता था, एक मुश्त नहीं, महीने में कई बार। अच्छा, कलर साहब की मेहरबानी से मिलता था। अच्छा, अब उसके बाद जब से सरकारी पेमेंट हो गया तो मैनेजमेंट को इसकी माना जिम्मेदारी तो रही नहीं है, तो इसलिए फीस उसका कोई बवाल था नहीं, कुछ नहीं। इसलिए मैनेजमेंट ऐसे लोगों को भरने लगा जो पैसा देते, पैसा दें, क्वालिफिकेशन से कोई मतलब नहीं। हाँ, अच्छा। एजुकेशन से मतलब नहीं, कुछ नहीं, पैसा चाहिए मैनेजमेंट। अपने अपने नात रिश्तेदार को रखना शुरू कर दिए, अपने अपने संबंधियों को रिश्तेदारों को। बहुत बढ़िया। चपरासी जो है उसके जिम्मे था रात का पहरा, रात में पहरा में टूट गया उसके, तो उसके ऊपर ब्लेम लग रहा था, कैसे टूट गया तुम? सही बात है, तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारे सामने टूट गया। लेकिन चूंकि पैसा गायब नहीं था तो हमने कहा कोई पैसा नहीं हमारे पास है, तिजोरी से टूट। नहीं सर, पैसा तो जैसे आप ऑफिस में रख गए थे, फिर कैसे आपके पास चला गया, ये कैसे मन बच गया? क्योंकि एक ऐसा लगता था कि भ्रामक सूचना फैली कि पैसा वहीं पर है, वहीं पर है, और चोरी करने वाले चोरी के नियत से आए थे, चोरी के नियत से आए थे। वो पूरी फीस थी, अच्छा खासा अमाउंट था, लेकिन वो इत्तेफाक से जो है वो थोड़े उनको मिला नहीं, और वो पैसा जहां रखा गया था वहां से हट गया था। तो ये आपने कैसे कर लिया? हट आप रखा ही नहीं गया था, रखा गया था जा, तू तो हमारे पास कहीं रखे थे हमको। अच्छा, आप ही रख लेते वहां से, वहां रखा नहीं गया था, रखा नहीं गया था, वो भ्रम में थे लोग, भ्रम में थे कि अलमारी में रखा टूटा पैसा गायब हो गया। तो उसमें तो सर, अगर आज के जमाने के प्रिंसिपल होते तो ये कहते कि भाई उसमें था, टूट गया, गायब हो गया, वो अपना अलग कर देते और दबा लेते। लेकिन आपके समय में ऐसा नहीं हुआ। अरे उस जमाने में ईमानदारी थी, आज के जैसे बेईमान नहीं हुआ करते। जी जी जी, आज के जैसे बेईमान नहीं है कि पैसा अपने रख लेते, फंसा देते दूसरे चपरासी को, ये चुरा ले गया। आपने चपरासी को बचाया उसमें, जब फंसा गया और बताया कि नहीं पैसे चोरी नहीं हुए, ये इसमें इसका कोई योगदान नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया सर, बड़ा अच्छा रहा। और सर आप एक बार बताते, उम्र आपकी कितनी हो गई है इस समय? इस समय तो 82 वर्ष। 82। तो हमारे यहाँ ये माना जाता है हिंदू धर्म में कि जिसकी उम्र 75 से अधिक हो गई वह ईश्वर के नजदीक हो गया, वो जीवन सरदा सतम में आता है। हाँ, वो ईश्वर के नजदीक माना जाता है, हम लोग मानते हैं उसको। जैसे ऐसा है हमारे हिसाब से, मेरे अपने समझ कि 1 वर्ष जिसका पूरा हुआ वो सूर्य की 1 परिक्रमा किया, जिसका 2 साल पूरा हुआ 2 परिक्रमा किया, और जिसका 75 पूरा हो गया वो 75 परिक्रमा कर लिया। तो आप सूर्य की सूर्य का जो है मैंने पृथ्वी के साथ 82 परिक्रमा कर चुके हैं, और इसके लिए हम आप और सताए हों और सुखी रहें, ईश्वर से हम लोगों की प्रार्थना है। आपका आशीर्वाद जो है हमें चाहिए, आपका आशीर्वाद ही हम लोगों का बल है, संपदा का बल है। नमस्ते सर। कई लाख रुपए भी जिनके ईमान न बदल सके, ऐसे व्यक्तित्व के चिरंजीवी होने की कामना के साथ मैं संपदा से प्रीति मालवीय।